एंड वेलकम टू लर्न मास कम्युनिकेशन माई सेल्फ प्रियंका दिस माई इंट्रोडक्शन सो गाइज आज जो है हमें नई वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट टू जो यू जी सी नेट एग्जाम सिलेबस की तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में दो वर्ड्स से जो है मिलकर बना है दैट इज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन तो वो कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट की प्रोसेस की बात करें उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो विकास की बात करें वो होती है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जिससे विकास हो वो होती है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मतलब इसे हम मतलब आसान भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेवरल वेज बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स सोशोलॉजिस्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स सब ने जो है अपने अलग अलग फील्ड के अलग अलग डेफिनेशन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में दे रखी है और जो नॉर्मल शब्दों में अगर बोला जाए तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज़ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन तो मींस इन शॉर्ट द कम्युनिकेशन व्हिच इज़ डन फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी है इसका जो नाम है वो ऑरिजिनेट हुआ था एशिया से और रीज़न टू रीज़न इसकी जो डेफिनेशन है वो बदलती गई उसके व्यू ऑफ़ डेवलपमेंट पे कि जहाँ पर जिस तरीके का विकास हुआ उसी तरीके के डेवलपमेंट की परिभाषा बदलती गई जो बहुत फेमस डेफिनेशन है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जो 1975 में नोरा क्यूब्रेल ने दी थी उन्होंने डिफाइन किया डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को कि एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन अप्लाइड टू द स्पीडी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ़ द कंट्री फ्रॉम द पॉवर्टी टू अ डायनामिक स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेक्स पॉसिबल ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एंड द लार्जर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल तो नोरा क्यूब्रल ने कहा कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वो आर्ट है वो साइंस है जो ह्यूमन कम्युनिकेशन मतलब ह्यूमंस जो कम्युनिकेशन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ज़मीन से ऊपर उठने के लिए मतलब एक पॉवर्टी लाइन से एक डायनेमिक स्टेट में पहुँचने के लिए वो कम्युनिकेशन की जाती है जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी सोशल इक्वालिटी बढ़ती है और जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो बढ़ता है तो मींस हर चीज़ में क्या हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है तो हम ऐसी ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन जो ऑडियंस के साथ की जा रही है जिससे कोई डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मीन्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विद अ सोशल कंसाइंस मतलब सोशल मतलब जितने भी हमारे हम सोशल होकर लोगों से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं और मतलब डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करके तो डैट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो होता है मेनली रूरल प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात करता है क्योंकि वहाँ पे विकास की ज़्यादा ज़रूरत है तो जैसे हमारे कृषि प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं दूरदर्शन पे या फिर एजुकेट किया जाता है लोगों को ये उनके लिए चलाए जाते हैं जिनके पास इतने साधन नहीं होते हैं तो उनका विकास करने के लिए ये कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ये जो है अर्बन प्रोग, अर्बन प्रॉब्लम्स के बारे में भी कंसर्नड होते हैं बट दे आर मोर ओवर कंसर्नड अबाउट द रूरल प्रॉब्लम्स जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, होते हैं उसके दो प्राइमरी रोल्स होते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग रोल एंड दैट इज इनोवेशन रोल्स तो ट्रांसफॉर्मिंग रोल एज इट सीक्स सोशल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ हायर क्वालिटी ऑफ वैल्यू ऑफ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग रोल क्या होता है एक सोशल चेंज करना सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन करना सोसाइटी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना उसको एक ऊंचे लेवल पर पहुंचाना ये इसका प्राइमरी रोल होता है कि वो लोग जान सकें लोगों को ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके सोसाइटी डेवलप कर सके लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में इनोवेशंस के बारे में जो है अवेयर हो जाएँ तो ये क्या है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ये काम होता है मतलब दे क्रिएट एन एटमोसफेयर फॉर चेंज मतलब लोग जो देखते हैं उसे देख देख के बदलाव अपने अंदर लाते हैं वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें अब बदल रही हैं ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है तो लोग अपने आप में जो है बदलाव लाना शुरू करते हैं तो दैट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एज वेल एज़ प्रोवाइडिंग इनोवेशन थ्रू विच सोसाइटी में चेंज तो जैसे जैसे इनोवेशन होंगे चीज़ों में बदलाव आएगा उसी तरीके से सोसाइटी भी बदलेगी तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन विच वी डू फॉर द डेवलपमेंट अब इससे पहले मतलब विल्बर्स क्राम के बारे में हमने पढ़ा है हमारे तो उन्होंने 1964 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीज़ में उनका ये मानना था कि लोग जो हैं मतलब मास मीडिया के थ्रू अपनी लाइफ्स को बेटर कर पाएंगे ताकि क्योंकि मास मीडिया जो है एक इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है जो लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर दे जाए दे पाएगा अपॉर्चुनिटीज़ लर्न करने के लिए चीज़ों के बारे में जानने के लिए इसलिए जो है मास मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किस में कम्युनिकेशन uh, के लिए लोगों से ताकि डेवलपमेंट उनका हो सके तो उन्होंने बताया कि ही कंसेप्चुलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात अगर लोग जानेंगे उनसे डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मतलब उन्होंने बताया उन्होंने सजेस्ट किया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेड होगी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा लोग गेन कर पाएंगे और मोर ब्रॉडली हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की जो बात होती है वो इसीलिए होती है ताकि लोग अपना खुद का विकास कर सके या फिर उस कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन ऑडियंस से की जा रही है उसके थ्रू उनका डेवलपमेंट हो सके अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस के साथ डील करती है जिसमें आपके पहले जो आते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स आपके सरकारी आला जो हो गए जितने भी सरकारी अफसर हो गए मीडिया प्रैक्टिसनर्स हो गए आपके प्रोफेशनल्स हो गए तो ये सब कौन सी होती है ये होती है ऑडियंस ये एक आपकी जो मतलब हाई लेवल पर ऑडियंस बैठी होती है जो इनसे डील करती है जो विकास की बातें करती है और दूसरी होती है हमारे हम जैसे आम लोग मतलब द पीपल द ऑडियंस हु कैन बी इन्फॉर्म्ड और अन एजुकेटेड एजुकेटड और सैमिलिटरेट और लिटरेट तो दूसरे नंबर पर आते हैं वो होता है कॉमन पीपल जो ऑडियंस होती है हमारी वो होते हैं वो ऑडियंस चाहे तो आप उसके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है या हो सकता है उसके पास इफॉर्मेशन इस चीज़ की ना हो या फिर वो बहुत पढ़ा लिखा हो या थोड़ा पढ़ा लिखा हो या फिर बिल्कुल ही अनपढ़ हो तो इस तरीके की ऑडियंस हमारी होती है तो ये सब चीज़ें देख कर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करनी पड़ती है और दोनों टाइप की ऑडियंस के साथ डील करना पड़ता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात करते वक्त अब डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के गोल्स क्या होते हैं मतलब ऑब्वियसली बात है देखिए जब हम नॉर्मल सी कम्युनिकेशन करते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वो हम सुन सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम देख सकते हैं क्योंकि जब विकास होता है दैट इज़ प्रैक्टिकल अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो आप उसको देख पाओगे समझ पाओगे सुन भी पाओगे कम्युनिकेशन होगी तो सुन भी पाओगे लेकिन अगर डेवलपमेंट होगा तो आप उसे देख पाओगे कि हाँ ये चीज़ डेवलप हो रही है ये चीज़ विकास हो रहा है तो क्या होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है परपसिव कम्युनिकेशन होती है और ये सेंसिबल होती है रियलिस्टिक होती है और प्रैक्टिकल होती है मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात अगर की जा रही है तो वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हो रहा है इसीलिए उसकी कम्युनिकेशन हो रही है तो इट मीन्स दैट इज़ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ गोल ओरिएंटेड ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात की जा रही है तो उसका कोई ना कोई गोल है तभी वो डेवलपमेंट की बात की जा रही है वो डेवलपमेंट करना है इसलिए वो गोल जो है सेट किया गया है इसीलिए लोगों तक जो है वो विकास की बात पहुंचाई जा रही है तो ये जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो गोल होता है अल्टीमेट गोल जो होता है वो यही होता है कि लोगों को एक हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है प्रोवाइड की जा, जा सके और सोसाइटी को और सोसाइटी में थोड़ा डेवलपमेंट ला के चेंज लाया जा सके उसमें हाई क्वालिटी की मतलब सोसाइटी बनाया जा सके पॉलिटिक्स मतलब व्यूज़ जो होते हैं वो चेंज किया जाए पॉलिटिकल जो तरीके होते हैं लोगों से इंट्रैक्ट करने के वो बदले जा सकें तो मतलब जितना भी विकास की बातें की जाती हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वही होता है द गोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नॉट कंसिडर ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स मतलब जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का गोल होता है वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक के तौर पर ही बात करी जाए सिर्फ इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ही बात करी जाए जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है वो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल या मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए भी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात की जाती है मतलब किसी भी चीज़ की विकास की बात अगर होगी तो दैट इज़ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का गोल होता है चाहे वो आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात हो चाहे वो पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट की बात हो या फिर आपके कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की उनको अवेयर करने की अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की बात हो तो डैट इज़ ऑल्सो डेवलपमेंट लोगों में मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने की बात हो तो डैट इज़ ऑल्सो डेवलपमेंट तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आर्थिक स्थिति अगर बढ़ रही है तो डैट इज़ ओनली द डेवलपमेंट डेवलपमेंट आपका सोशल पॉलिटिकल कल्चरल और मॉरल सब होता है तो दैट इज़ पूरा जो था आपका आपने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का कंसेप्ट था डेफिनेशन आपने पढ़ ली तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच